इधर भी बैठी है, इधर भी इसके अंदर है, फ्रंट आ रही है, दोनों बैठे हैं मेरे भाई। ठीक है, चारों चार बैठा अंदर। हेलो दोस्त, अगर ऐसे SS आपके रेंज रोवर में OBD आ रही है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट देखिए, फ्रंट लेफ्ट है, देखिए लेफ्ट फ्रंट हाई सेंसर में यहाँ लेफ्ट में लगानी है, ठीक है, फ्रंट लेफ्ट में लगानी है आपको जैक, एक रियर लगानी है, ठीक है, और थोड़ा सा उठाना है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, उठाएंगे तो गाड़ी सेंसर परमानेंट है ना, तो एक OBD कट जाएगा, हट जाएगा, और जितना ये डाउन है ना इसको मैं उठा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं दोनों रियर लगाऊंगा राइट साइड, रियर लगाऊंगा राइट साइड और लेफ्ट लगाऊंगा फ्रंट साइड जैक, दो जगह लगाऊंगा, थोड़ा सा उठाऊंगा, उसके बाद गाड़ी को पम नहीं चल रहा है, अगर ठीक है मेरे भाई, सम टाइम पम इसलिए नहीं चलता है, ठीक है, देख रहा लाइट पम नहीं चल रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम भाई, इसका OBD हटा रहा हूँ, ठीक है, जो DTC आ रही है ना इसका पूरा मैं क्लियर करके दिखा रहा हूँ आपको, गाड़ी पूरा डाउन है वो भी अप करके दिखा रहा हूँ इसको, ये बेटी साहब टायर के अंदर घुस चुका है, देखो भाई ऐसे चेक लगाएंगे, रियर लाइट लगाया हूँ, रियर लाइट चेक लगाया हूँ, थोड़ा सा गाड़ी उठा दिया हूँ, आगे से पहले गाड़ी उठी थी इधर, और इधर देखो उधर लगाया हूँ फ्रंट साइड, ठीक है, जो ऐसे दिखाया ना फ्रंट लेफ्ट सेंसर हाई सेंसर, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर से उठाया हूँ, मैं इसका स्विच ऑन करके स्विच ऑन करके रेस्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, इसके बाद DTC डिलीट करके उसके बाद ओके, इसमें देखिए मेरे भाई लाइट भी शो कर रहा है, ठीक है, पहले लाइट नहीं शो कर रहा था, तब इस टाइम आप गाड़ी स्टार्ट करके अब देखो पंप भी चलेगा, देखिए पंप चल रहा है, साउंड चेक कर रहे हैं ना, पंप चल रहा है उधर, इसके पीछे पंप साउंड चल रहा है, पीछे रीड कोड करेंगे कि कोड आ रही है कि नहीं, दोबारा कोड चेक करेंगे कोड आ रही है कि नहीं, कोड नहीं आ रही तो फिलहाल हम लोग इंतजार करेंगे पंप कब तक चल रहा है। हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल विशाल कार मैकेनिक में आपका स्वागत है, मैं हूँ गोरखपुर इंडिया से, भाई मैं देखा देखे हो ना सस्पेंशन ऐसे उठा दें गाड़ी का, ठीक है, कोई भी सस्पेंशन जिधर भी बैठ जाए तो हर एक का फॉल्ट पकड़ना डायग्नोसिस करना हर एक मैकेनिक का रूल होती है, बट जो सस्पेंशन प्रॉब्लम है ना ऐसे सस्पेंशन का फॉल्ट क्लियर करते, अगर हाई सेंसर दिखा रहे लो ऐसे दो रियर जगह लगाओ या फ्रंट जगह लगाओ, दो जगह लाजिम लगाना चाहिए, ठीक है, पंप चल नहीं रहता इसका, कई वजह से पंप चेंज कर देते इसका, ओके, फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ सब पंप चल रहा है, देखो गाड़ी अब धीरे धीरे उठ भी रही है, देखो ना गाड़ी उठ रही है पीछे, डाउन हो चुका था, अभी मैं जब डाउन करूँगा पूरा मैं दिखाऊंगा, अरे पूरा आपको दिखाऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा कैसे गाड़ी डाउन था, कैसे पहले ऐसे था, सपोर्ट कोई नहीं आ रही हूँ, हम लोग इंतजार करेंगे पंप कब तक चल रहा है, ठीक है, पंप बंद हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग चेक डाउन करेंगे, तो अब फिलहाल हम धीरे धीरे चेक डाउन करेंगे, पंप चल रहा है, ठीक है, फिलहाल हम लोग धीरे धीरे चेक डाउन करेंगे, इधर से डाउन करके इधर करेंगे, अभी साइड डाउन करूँगा मैं, इसको डाउन करने के लिए यार देखो डाउन किया, बहुत लाइट टू मच अप, लाइट इतना ऊपर क्यों चले गए यार, पंप चल रहा है मीडियल पे, ठीक है भाई, मैं देखो पूरा लाइट दिखा रहा हूँ, गाड़ी सही कर दिखाऊंगा, देखो गाड़ी बराबर हो गई है ना, नीचे सभी सुई सुई ऊपर आ रही है, भाई लोगों को बता दूँ जो ये देख रहे हो ना ये कीबोर्ड जो बटन ग्लाइन, ये कभी कभी जानते हो जब चारों टायर डाउन रहता है तो उस टाइम में भी जब ये मैसेज आ रही है ना जो DTC आई मैसेज, अगर ये मैसेज आएगा तो उस टाइम आपको
ये जो कीबोर्ड दिखाई दे रही है इसमें सिंबल लाइट नहीं आएगी, ठीक है, वो बटन का लाइट नहीं आएगी, अप डाउन करने वाला लाइट शो नहीं करेगा। जब ये DTC आएगी तब उस टाइम, तो उस टाइम आपको क्या करना, जैसे मैं किया हूँ ना, जग फ्रंट रियर जिधर ये देख उसमें DTC दिखेगा, रियर राइट फ्रंट राइट लेफ्ट राइट लिखेगा, जैसे रियर में या फ्रंट में, ठीक है, उस जगह आपको जग लगाकर गाड़ी सेंसर से थोड़ा ऊपर उठा लेनी है, ठीक है, टायर से और बम्पर से स्पेस होनी चाहिए, बम्पर के अंदर टायर नहीं होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, 2 फुल्ली या 3 फुल्ली का स्पेस होनी चाहिए, तो उस टाइम आपका गाड़ी ऐसे उठ जाएगा मेरे भाई, ओके, समझे। अगर ना उठे ना मेरे भाई, इस तरह का एक बार आप इस तरह आप एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। अब फिलहाल पंप कब चेंज करते हैं मेरे भाई, पंप को जब चेंज करने का ना हर तरीका होता है, ठीक है, मैं एक वीडियो में बताया हूँ पंप ऐसे ख़राब हो जाती है, ऐसे चेंज हो जाती है, मैं एक वीडियो में बताया हूँ कि पंप ऐसे ख़राब होता है, तो ऐसे इसको पंप को चेक भी करते हैं, पंप को कभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा पंप कैसे चेक करते हैं, पंप ख़राब है कि सही है, ठीक है, पंप को खोल कर चेक करके बताऊँगा पंप ख़राब है कि सही है, ठीक है, ऐसे एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट इसका पंप हम लोग देखो ऐसे DTC जब आ रहा था ना ये लेवल सेंसर का, तो इस टाइम में जग उग लगा कर उठाया तो पंप स्टार्ट हो गया उस टाइम, उससे पहले पंप स्टार्ट नहीं हो रही थी, उससे पहले पंप नहीं चल रहा था, ठीक मेरे भाई, जो एरोमेटिक सक कंप्रेसर पंप है वो पंप नहीं चल रहा था, जब दोनों चार छठी जब टायर के बम्पर ऊपर हो गया स्पेस बन गया तो उस टाइम इसका पंप चलना शुरू हुआ, जब चलना शुरू हुआ तो इसका एयर बनाया, एयर बनाने के बाद इसका गाड़ी बराबर लेवल हो गई, ठीक है, तो इसका मैसेज वो जो DTC था ना सेंसर होगा, लेवल सेंसर होती है चारों टायर के पास, लेवल सेंसर होता है एरोमेटिक शॉक का, अगर एरोमेटिक शॉक का लेवल सेंसर भी टूट जाती है तब भी गाड़ी उठती नहीं है, अगर एक तरफ टूट गया तब भी चारों बैठ जाएगा या 3 बैठ जाएगा या 2 बैठ जाएगा चाहे 1 बैठ जाएगा, ऐसे हो जाता है, समझे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ओके। जर्मनी इटालियन ब्रिटेन का कार का मैकेनिक वीडियो देखना है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तब, ना अच्छा लगा तो डिसलाइक करके कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो इतना ही।